मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है, भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया। उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था, और मैंने इजेक्ट किया। मैं अपने ऑफिस में जा रहा था, ड्यूटी पे जा रहा था। रास्ते में एक हमारी जगह है संदौड़, उधर संदौड़ पे हम जब पहुंचे तो हमने देखा कि फजा में एक हेलीकॉप्टर है, उस पे या कोई जहाज है जो भी तैयारा है उनका, उस तैयारे में आग लगी हुई है। जब आग हमने देखी तो मैं गाड़ी में था, मैं गाड़ी में से अपनी गाड़ी में से उतर गया, तो हमने पैराशूट के जरिए दो आदमी उनके जो हैं वो पैराशूट के जरिए नीचे आते हुए देखे हैं। मैंने वहां से गाड़ी का टर्न लिया, क्योंकि मेरा घर भी यहीं है, ओडा में है। तो जब मैं रास्ते में आया तो पाक आर्मी जो है वो भी साथ थी, वो ट्रेस कर रहे थे कि पैराशूट के जरिए जो लोग उतरे हैं वो कहाँ उतरेंगे। उन्हें सही तरीके से अंदाजा नहीं हो रहा था, लोकेशन नहीं मालूम हो रही थी कि पैराशूट के जरिए लोग कहाँ उतरे हैं। जबकि मुझे तो, चूंकि मैं यहाँ का मकामी हूँ, मुझे एग्जैक्टली ये पता चल गया था कि पैराशूट के जरिए ये लोग कहाँ उतरे हैं। मैंने पाक आर्मी के मेज साहब थे, उनको अपनी गाड़ी में साथ बिठाया। उन्हें मैंने कहा कि एग्जैक्टली जो लोकेशन है उसका मुझे अंदाजा है, आप मेरे साथ आएं, और जो भी उनके लोग हैं हम पकड़ने में सिविलियन लोग आपका भरपूर साथ देंगे। जब हम अपने गाँव में दाखिल हुए तो हमने देखा कि यहाँ से एक पहाड़ी के नीचे से वो नौजवान जो है उनका जो पायलट था वो जा रहा था। मैं और मेजर साहब, मेरे साथ दो तीन साथी थे, हमने उसका पीछा किया। जब हमने उसका पीछा किया तो उसने हम पे फायर करने की कोशिश की है, उसने दो फायर किए, लेकिन वो फायर हमें जी रिवॉल्वर था उसके पास, उस रिवॉल्वर से उसने हम पे फायर किया है। इजेक्ट करते ही उसके बाद जब मेरा पैराशूट खुला और जब मैं नीचे गिरा, मेरे पास पिस्तौल थी और लोग बहुत ज़्यादा थे और मेरे पास बचाव के का सिर्फ एक ही साधन था। हमने फिर उसका पीछा किया है। जब हमने उसका पीछा किया है तो ये नीचे है, अभी जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से मेरा कह रहा 500 मीटर ये नीचे नाला है, उस नाले में पानी खड़ा था, वो उस पानी में छलांग लगा गया है। जब पानी में उसने छलांग लगाई तो मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की है, तकरीबन 5-7 फुट के वक्फे पे मैं था, तो उसने फिर मुझ पर फायर करने की कोशिश की है। फिर मैंने मजबूरी के आलम में वहां से नाले से एक पत्थर उठाया है, मैंने वो पत्थर उसे मारा है। पहला पत्थर मेरा उसकी टांग पे लगा है, जब टांग पे लगा है तो दूसरा पत्थर मैंने मारा है, वो उसके सर के बिल्कुल पास से गुजरता हुआ चला गया, उसे लगा तो नहीं है। और बताओ, उसने फिर मुझे ये कहा है कि यार मुझे पत्थर न मारो। मैंने उसे कहा कि तुम अपना ये रिवॉल्वर पीछे करो, आप रिवॉल्वर पीछे करेंगे तो आपको मारेंगे नहीं, अगर हम पर फायर करेंगे तो हमारे पास, हम तो मसाला नहीं है, हमारे खाली हाथ हैं। नहीं, दो तीन साथी और थे, ये पाक आर्मी के हमेशा भी मेरे साथ थे, दो तीन जवान भी थे, ठीक है। फिर हमने जब उसे कहा कि हम दोबारा आपको पत्थर मैंने मारने की कोशिश की है, तो उसने मुझे कहा कि पत्थर ना मारो। मैंने कहा पत्थर नहीं मारेंगे, लेकिन आप रिवॉल्वर अपना पीछे करें, इस रिवॉल्वर को साइड पे करें। वो पानी में खड़ा था नाले के अंदर, उसमें बड़ा सा पत्थर था, उस पत्थर के ऊपर उसने जब अपना रिवॉल्वर रखने की कोशिश की है, बल्कि कोशिश नहीं की बल्कि उसने रिवॉल्वर रखा है। साधन था, मैंने अपनी पिस्तौल गिरा दी तो मैंने भागने की कोशिश की। मेरे पीछे लोग आए थे, उनका जोश काफी ऊंचा था। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के दो जवान आए एंड उन्होंने मुझे बचाया वहां से। पाकिस्तानी आर्मी के एक कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे ये इन लोगों से बचाया, मुझे और कुछ होने नहीं दिया। यूं ही उसने रिवॉल्वर रखा है तो मैंने छलांग लगाकर पानी के अंदर उसे जाकर पकड़ लिया है, उसे आपने बाजू में लपेट लिया। तो फिर हमारे साथ जो भी साथी थे, आर्मी भी थी हमारे साथ, हमने उसे वहां से उठाया है। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि उसे पूरी तरह ये अंदाजा नहीं था कि ये हमारा जो हेलीकॉप्टर ये गिरा है, ये हिंदुस्तान के अंदर गिरा है या पाकिस्तान के अंदर गिरा है। उसने हमसे क्वेश्चन किया है कि ये हिंदुस्तान की कौन सी रियासत है, तो हमने उसे कोई जवाब नहीं दिया। दोबारा जब उसने रिपीट किया कि ये पाकिस्तान हिंदुस्तान का कौन सा इलाका है, ये हिंदुस्तान है, हमने उसे कहा हाँ ये हिंदुस्तान है। फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए जहाँ पे
मुझे फर्स्ट एड दिया गया एंड फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पे मेरी जांच हुई और मुझे और एड दी। ठीक है, फिर उसने जिए हिंद का इस तरह नारा लगाया। ठीक है, जब उसने नारा लगाया तो फिर वो आगे चल रहा था, पानी हमसे उसने मांगा, मैं पानी तो उसे ना दिया क्योंकि हमारे पास पानी है ही नहीं था। ठीक है, फिर हमारे एक बाबा थे इधर, मेरा ख्याल 60 साल 70 साल की उम्र के लोग हैं, बाबा हैं, उन्होंने उसे फिर जज्बात में आकर, उनसे रहा ना गया, वो जज्बात में आकर कहते हैं उसे कि ये हिंदुस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान है। ठीक है, जब पाकिस्तान का लफ्ज हमने कहा, बाबा जी ने कहा, तो उसने फौरी तौर पर अपने जेब में हाथ डाला और जेब में से कोई उसने 3, 4 या 6 कागज थे वो उसने कागज हमारे सामने निकले हैं। ठीक है, वो जिक्रन कोई एहसास किस्म के कागजात हुए होंगे उसके, वो उसने कागजात निकले हैं। फिर तो जज्बात में आकर हमने भी पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इला 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 पाक आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। फिर वो भागता गया, हम उसके पीछे पीछे भागते गए। ठीक है, तकरीबन मेरा ख्याल है वो 500 से 700 मीटर तक भागा है। फिर उसने नाले में छलांग लगाई है, फिर हमने जाकर नाले में उसे पकड़ा है और पकड़कर पाक आर्मी के हवाले कर।